नमस्कार। आज जिस तकलीफ या बीमारी के बारे में हम आप लोगों को बताना चाहेंगे वो एक केस है ट्रॉमा का, जिसमें गिरने की वजह से जो अम्मा है माता जी उनकी रीढ़ की हड्डी है वो सरक गई एक के ऊपर एक, जिसे हम बोलते हैं लिस्थेसिस। और ये जो लिस्थेसिस है वो ग्रेड 2 प्लस है, एंटीरोलिस्थेसिस एट द L5S1 एंड ग्रेड 2 प्लस, जिसमें लिस्थेसिस के बाद में न्यूरोलॉजी तो इंटैक्ट थी लेकिन जो अम्मा है उनको पेन दर्द बहुत असहनीय दर्द हो रहा था, ना उठ पा रही थी ना बैठ पा रही थी। और ऐसी कंडीशन में जहाँ पर माता जी भर्ती थी वहाँ पे डॉक्टरों के द्वारा उनको हायर सेंटर के लिए भेज दिया गया, बताया गया कि ग्वालियर चले जाएँ या दिल्ली चले जाएँ और वहाँ पर जाके आप इसके लिस्थेसिस का ऑपरेशन करवाएँ, अन्यथा पैरों में लकवा मार जाएगा या अन्य तरह की समस्याएँ हो जाएंगी। जब पेशेंट का असेसमेंट किया गया तो न्यूरोलॉजी वाज इंटैक्ट बट पेशेंट वाज सफरिंग सीवियर काइंड ऑफ पेन, मरीज को असहनीय दर्द हो रहा था जैसा कि बाबा है। जब हमने पहली बार अम्मा को देखा तो अम्मा फर्श पे लौट रही थी, ना बैठ पा रही थी ना उठ पा रही थी, ना पी सकते ना बैठ के। अभी केवल दो दिन पहले की बात है, दो दिन पहले इतना था। फिर आप ग्वालियर ले गए थे? नहीं, फिर अयोध्या अयोध्या में इलाज कराया। अयोध्या में उन्होंने कह दिया कि हड्डी खिसकी है और ये इससे नहीं आराम मिल रहा है। फिर हम लोग झांसी, झांसी लेते जी, वो मुकुल मिश्रा है ठीक है, मेडिकल के सामने वहाँ ले गए। वहाँ मैंने बताई कि चोट है, दवाई दे रही दवाई दे के जी, और पाँच बजे मान लिया कि कोई आराम नहीं मिले दवाई से, मिलो मान लो 2200 रुपये दिया मैं वहाँ आराम चले गया ठीक है। इसके बाद फिर जहाँ पहुँचे दतिया नहीं करेरा, करेरा पहुँचे, करेरा भी इलाज करवाओ 1000 रुपये की मांग लिया कोई आराम नहीं। फिर दतिया पहुँचे, दतिया अस्पताल में पहुंचे 4 नंबर में, सीए कहते डॉक्टर साहब ने बताया अफसर अच्छा तो प्लेन की फिर से वो हुआ लकवा मार जाए यहाँ से दूर के कागज बनाए, कागज बना के गाड़ी करते गाड़ी में लेके ग्वालियर चले गए। ग्वालियर पहुंचे हमने, बाद में पहुंचे जो बंद होता मेडिकल जो बाहर चले गए। दूसरी बार फिर दूसरे मैंने डॉक्टर को पहुंचे, मैंने जाते दिन साथ 8 जाते क्रम तो मैं ड्यूटी हुआ फिर बाहरी पड़ी है। तीसरे दिन क्रम डॉक्टर ने गए कि अभी पूरी जाते होना है अभी सब कहाँ पड़ी गई है यहाँ से, फिर हम जित गया सॉर्ट करते हैं इसको। कुल मिला के जो कहानी ये है कि आज के ये जो वीडियो बनाने का टेक होम मैसेज ये है कि एक्यूट कंडीशन जिनमें कि स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस है, रीढ़ की हड्डी सरक गई है, नस है, काफ़ी दबाव है, स्पाइनल कॉर्ड पे काफ़ी कंप्रेशन है, रूट्स जो है वो स्ट्रेच्ड है और उनके वजह से पेशेंट को एक अनबियरेबल न्यूरोपैथिक पेन हो रहा है, और जिसके लिए अधिकतर जगह यही होता है हम एक चिकित्सक के पास जाते हैं दूसरे के पास जाते हैं, कोई ऑपरेटिव ट्रीटमेंट की सलाह दे देता है, कोई कह देता है कि भाई इसमें कुछ नहीं हुआ, कोई दवाई गोली खिला देता है, कोई बोतलें चढ़ा देता है और ऐसे अनेक इलाज में मरीज जो है बहुत ज़्यादा परेशान होता रहता है, भटकता रहता है। लेकिन वो जो मेन एक जो एक्यूट कंडीशन है उसके लिए भी हम ये जो प्रोसीजर्स करते हैं जो कि इंटरवेंशनल पेन मैनेजमेंट है, जिसमें हम दर्द का एक उपचार करते हैं, मैनेज करते हैं। लिस्थेसिस अगर अनस्टेबल है तो डेफिनेटली अगर अनस्टेबिलिटी उसकी है तो वो आगे फर्दर प्रोग्रेस करेगी और उसको प्रोग्रेशन को रोकने के लिए द पेशेंट वी नीड टू हैव अ सर्जरी आइदर बाय द रिडक्शन पेडिकल स्क्रू और बाय द अदर मींस और देयर विल बी द फ्यूजन फॉर द स्पाइन। तो दैट आर द ऑप्शंस व्हिच विल बी नीडेड फॉर द फर्दर अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द पेशेंट फॉर द ट्रीटमेंट। बट द एक्यूट कंडीशन ऑफ द पेशेंट दैट द पेशेंट हैविंग द unbearable pain and rolling on the floor with the pain, in that cases we are doing this simple procedure and the patient get benefit.
मरीज को अभी हमें इलाज करे 2 दिन हुए हैं मोटा मोटा, तो 2 दिन में माता जी आज चलते फिरते आई जैसा कि हम देख रहे थे, कोई तकलीफ नहीं था वो हमने हथियारों की दवाई खा ली, ठीक है, तकलीफ नहीं उठा रहे। चलिए ठीक है दादा, आज का हमारा ये जो एक सेशन था वो इसी के लिए था कि इन द सच कंडीशन, इन द एक्यूट कंडीशंस वेयर द न्यूरोलॉजी इज नॉट सो मच, दैट द न्यूरोलॉजिकल वीकनेस और द ब्लैडर और बोवेल इन्वॉल्वमेंट इज नॉट देयर, and there is not a condition like the Cauda Ichthyosis syndrome which is a surgical emergency, वहाँ पर हम pain management के लिए जो procedures करते हैं उनका एक बड़ा role है मरीज को राहत दिलाने में, but it is also to be mentioned that if the spine remains unstable and could not be treated conservatively, then the patient may need the further surgical intervention also. बस ये है कि जिस तरह मरीज फ्लोर पे तड़पता हुआ मरीज अगर अपने पैरों पे खड़े होकर चलने लगता है तो डॉक्टर को भी खुशी होती है, और यही इस ट्रीटमेंट की खासियत है। धन्यवाद दादा, धन्यवाद।